हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क का विचार था। यह मैग्नेटिकली लेविटेटिंग कैप्सूल की एक प्रणाली है जिसे कम दाब वाले ट्यूबों के माध्यम से उच्च गति से भेजा जाता है। इसकी गति कमर्शियल एरोप्लेन से भी तेज हो सकती है। इसमें लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है जो इसकी गति को नियंत्रित करता है। दो कंपनियां हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT और हाइपरलूप वन और हाइपरलूप वन ने 2021 में भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विकसित करने की रुचि दिखाई। हाइपरलूप वन ग्लोबल चैलेंज ने हाइपरलूप विकसित करने के लिए 35 शहरों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें से 5 शहर भारत के भी हैं। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था अबू धाबी और दुबई के बीच विकसित की जा रही है। यह परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रणाली है, इसलिए यह परिवहन के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाता है जो लोगों और वस्तुओं की परिवहन समय को 80% से ज़्यादा कम करने की क्षमता रखती है। इम्पोर्टेंस, यह बहुत कम स्थान में ही बन जाता है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के अलावा इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। यह हाइपरलूप पार्ट से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। चैलेंजेज, इसके लिए भारी निवेश लगभग $100 मिलियन की आवश्यकता होगी जो बिना किसी निजी क्षेत्र की भागीदारी के संभव नहीं है, इसलिए एक प्रभावी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वय की आवश्यकता होगी। यह परिवहन का गैर समावेशी तरीका साबित हो सकता है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके यात्रा खर्च को वहन नहीं कर पाएंगे। उच्च बिजली खपत, दुर्घटनाएं और तकनीकी चुनौतियों ने इसकी प्रगति को अवरुद्ध कर रखा है।